अनुपमा सीरियल आज के वक्त में काफी पसंद किया जाता है। बता दें कि इस शो में लीड किरदार रूपाली गांगुली निभा रही हैं, लेकिन गौरव खन्ना यानी कि अनुष्का पाड़िया ने भी इस वीर किरदार को निभाया और रूपाली गांगुली के अपोजिट नजर आए। गौरव खन्ना आज के वक्त में छोटे पर्दे के टॉप स्टार बन चुके हैं। गौरव खन्ना का किरदार सीरियल में काफी बेहतरीन दिखाया गया है और उनकी पर्सनालिटी भी उन पर खूब अच्छी लगती है। हर उम्र के लोग उनको काफी पसंद करते हैं। काफी सारे लोग तो समझते हैं कि उनका ये पहला शो है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो काफी समय से टीवी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। एक्टर कई रियलिटी शोज में भी काम कर चुके हैं, लेकिन बहुत कम लोग ही जानते हैं कि गौरव खन्ना पहले एक्टर नहीं थे। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने अपने प्रोफेशनल की शुरुआत एक्टर के तौर पर नहीं की थी। एक वक्त था जब वो आईटी कंपनी में बतौर मार्केटिंग मैनेजर का काम करते थे, लेकिन साल 2006 में गौरव खन्ना ने भाभी सीरियल से अपने एक्टिंग की शुरुआत की थी। गौरव खन्ना को इस सीरियल में भुवन सरीन के किरदार में देखा गया था। यहीं से धीरे धीरे गौरव खन्ना ने अपने करियर की रफ्तार पकड़ ली। बाद में उन्हें कुमकुम, मेरी डोली तेरी अंगना, ये प्यार ना होगा कम और लाल इश्क जैसे कई सारे बेहतरीन सीरियल में काम किया है। अनुपमा शो में एक्टर की एंट्री साल 2021 में हुई और तभी से वो टॉप लिस्ट में बने हुए हैं। बहरहाल आपका इस पूरी खबर पे क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं।